सुनो कहानियाँ चूचू और दोस्तों के साथ। चूचू के पास बहुत से खिलौने और किताबें थीं, जिनके साथ ना ही वो खेलती ना पढ़ती थी। मुझे याद है ये खिलौना, इसके साथ खेल के मुझे बहुत मजा आता था, और ये मेरी पसंदीदा किताब हुआ करती थी। उसे पुराने खिलौनों और किताबों की जरूरत नहीं थी, इसलिए चूचू की माँ ने उन चीजों को दे देने को कहा। चूचू, क्यों ना तुम अपनी पुरानी किताबें और खिलौने दे दो, अब तुम्हें उनकी जरूरत नहीं है। तुम इन चीजों को उन बच्चों को दे सकती हो जिनके पास अपने खिलौने और किताबें नहीं है। उन्हें ये लेकर बहुत खुशी होगी और तुम्हारा कमरा भी कुछ साफ हो जाएगा। नहीं माँ, मैं अपनी चीजों को नहीं देना चाहती, मैंने अपने लिए रखना चाहती हूँ। हाँ, चूचू अपने पुराने खिलौने और किताबें नहीं देना चाहती थी। मिसेस चार्ली को लग रहा था कि चूचू अपना इरादा बदल देगी। वो जानती थी ये खिलौने और किताबें दूसरे बच्चों के लिए कितने काम के हो सकते हैं। एक दिन मिसेस चार्ली मिस डोरथी से मिली, वो चूचू की पसंदीदा टीचर थी। मिस डोरथी, चूचू के पास बहुत से पुराने खिलौने और किताबें हैं, जिनकी अब उसे जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि वो उन्हें किसी को दे दे, पर वो सुनती ही नहीं है। फिक्र मत कीजिए मिसेस चार्ली, मैं पुराने खिलौने और किताबें इकट्ठा कर रही हूँ अनाथालयों में रहने वाले बच्चों के लिए। मैं चूचू को इसके बारे में बता दूंगी। धन्यवाद मिस डोरथी। एक दिन मिस डोरथी ने चूचू की कक्षा में एक घोषणा की। बच्चों, मैं पुराने खिलौने और किताबें इकट्ठी कर रही हूँ। मैं उन्हें कुछ बच्चों को दे दूंगी जिनके पास ये सब चीजें नहीं हैं। बहुत अच्छा होगा अगर आप भी अपने पुराने खिलौने और किताबें उन्हें दे दें। अगर आप उन्हें इस्तेमाल नहीं करते हैं और अगर आप खराब नहीं करना चाहते, तो ये सब सामान कल ले आए। चूचू के बहुत से दोस्तों को मिस डोरथी का ये सुझाव अच्छा लगा। मेरे पास बहुत से पुराने खिलौने और किताबें हैं जो मुझे नहीं चाहिए मिस डोरथी, मैं उन्हें किसी और को देना चाहता हूँ। मैं भी। हाँ? बच्चों, तुम सब बहुत नेक दिल हो, सब सामान कल अपने साथ ले आना। जब चूचू घर गई तो उसने अपनी किताबों की अलमारी की तरफ देखा, जिसमें ऐसी बहुत सी किताबें थीं जो उसे नहीं चाहिए थीं। मैंने ये सभी किताबें पढ़ ली हैं। चूचू ने अपने खिलौने की अलमारी खोली, उसने देखा कि उसमें बहुत से ऐसे खिलौने थे जिनके साथ अब वो खेलती नहीं थी। इन खिलौनों के लिए अब मैं बहुत बड़ी हूँ, चूचू सोचने लगी। अगर वो भी अपने पुराने खिलौने और किताबें दे दे तो। माँ, मिस डोरथी पुराने खिलौने और किताबें इकट्ठी कर रही हैं अनाथालयों में रहने वाले बच्चों के लिए। वो कह रही थी कि इन्हें लेकर वो बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। क्या मैं भी अपने पुराने खिलौने और किताबें दे दूँ? हाँ चूचू, जरूर दे दो। क्यों ना तुम अपने सारे खिलौने और किताबें दे दो जो अब तुम इस्तेमाल नहीं करती, वो बच्चे उन्हें लेकर बहुत खुश हो जाएंगे। फिर चूचू ने सभी पुराने खिलौने और किताबें पैक कर दिए। अलविदा दोस्तों, तुम सबके साथ खेल के मजा आया, पर अब तुम्हें कुछ और लोगों को खुश करना है। अगले दिन चूचू अपने सारे पुराने खिलौने और किताबें स्कूल ले गई, और बच्चे भी
अपने पुराने खिलौने और किताबें लाए थे। उन्होंने सामान मिस डॉरथी को दे दिया। फिर उन्होंने उस सामान को कुछ बड़े डब्बों में डाल दिया। जब डब्बे भर गए तो मिस डॉरथी उन्हें अनाथालयों में ले जाने के लिए तैयार हो गईं। उन्होंने चूचू और उसके दोस्तों को भी साथ चलने को कहा। चलो बच्चों, अनाथालय चलते हैं और तुम्हारे खिलौने और किताबें बांट आते हैं। अनाथालयों में बहुत बच्चे थे और वो उन डब्बों को देखकर बहुत खुश हुए। कैसे हो बच्चों? ये खिलौने और किताबें तुम्हारे लिए हैं। मेरे नन्हे दोस्त इन्हें तुम्हारे साथ बांटने आए हैं। ये! हुर्रे! हुर्रे! अनाथालयों में बच्चे बहुत खुश थे। उन्होंने चूचू और उसके दोस्तों को धन्यवाद किया। शुक्रिया, शुक्रिया अपने खिलौने और अपनी किताबें हमारे साथ बांटने के लिए। तुम्हारा स्वागत है। अनाथालयों में बच्चे खिलौने और किताबें पाकर बहुत उत्साहित थे। उन्होंने तभी खेलना और पढ़ना शुरू कर दिया। चूचू को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसके पुराने खिलौने और किताबें लेकर वो बच्चे इतने खुश थे। मेरा टेडी बेयर लेकर नन्ही बच्चे कितनी खुश है। काश ये मैंने इसे पहले दे दिया होता और वो छोटा बच्चा मेरी किताब पढ़कर वैसे ही मुस्कुरा रहा है जैसे मैं उसे पढ़कर मुस्कुराती थी। चूचू और उसके दोस्तों ने मिस डॉरथी को धन्यवाद कहा। धन्यवाद मिस डॉरथी, आपकी वजह से हम इतने सारे बच्चों को खुशी दे पाए। और आपने ये भी ध्यान दिया कि हम अपने खिलौने बेकार नहीं होने दें। तुम्हारा स्वागत है बच्चों। तुम्हें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कभी भी कोई चीज व्यर्थ ना जाए। कुछ ऐसी चीजें जो तुम्हें नहीं चाहिए वो किसी और को बहुत खुशी दे सकती है। उस दिन के बाद से चूचू अपने पुराने खिलौने या चीजें देने में कभी भी नहीं हिचकिचाई, क्योंकि उसे पता था कि चीजें बांटने में भी बहुत मजा आता है। कसली चूचू और चाचा के घर पे एक दिन उनके साथ रहने वाला था। उसे उनके खिलौनों से खेलना अच्छा लगता था। मुझे तुम्हारा डायनासोर पसंद है चाचा। तुम्हारा टेडी बेयर कितना नर्म है चूचू, क्या मैं इनके साथ खेल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कसली, तुम इनसे जितनी देर खेलना चाहो खेल सकते हो। फिर कसली खूब खेला। जब उसका घर जाने का समय हुआ और उसके माता पिता उसे लेने आए, तो कसली ने चूचू और चाचा के खिलौने वापस करने से मना कर दिया। वो बहुत लालची हो गया था। माँ, पिताजी, मुझे चाचा का डायनासोर चाहिए और चूचू का टेडी बेयर भी। मैं इन्हें घर ले जाना चाहता हूँ। कसली के माता पिता ने उसे खिलौने वापस करने को कहा। कसली, ये खिलौने चूचू और चाचा के हैं। उन्हें वापस कर दो। तुम्हारे पास तो पहले से ही कई सारे डायनासोर्स और टेडी बेयर्स हैं। कसली ने उनकी एक नहीं सुनी।
और नखरे दिखाने लगा। मुझे ये टेडी बेयर चाहिए, मुझे ये वाला डायनासोर चाहिए, मैं इन्हें लिए बिना घर नहीं जाऊंगा। कसली के माता पिता को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी उसका ये बर्ताव देखकर। तभी कसली की माँ को एक तरकीब सूझी। ठीक है कसली, चलो इन खिलौनों को यहाँ छोड़कर थोड़ा घूम कर आते हैं। अगर तब भी तुम्हें ये चाहिए होंगे तो हम वापस आ जाएंगे इन्हें घर ले जाने के लिए। कसली के माँ बाप उसे घुमाने ले गए। वो पड़ोस में ऐसी जगह ले गए जहाँ वो पहले कभी नहीं गए थे। उसे वहाँ के छोटे छोटे घर देखकर बहुत हैरानी हो रही थी। वाह, यहाँ के घर कितने छोटे हैं। हाँ कसली, जरा अपने आसपास देखो। कसली ने पड़ोस में नजर घुमानी शुरू की। उसने देखा कि वहाँ के बच्चों के पास अच्छे कपड़े नहीं थे जैसे उसके पास थे। उनके पास ज्यादा खिलौने भी नहीं थे और जो भी थे वो भी टूटे फूटे से थे। इतना कम होने के बाद भी वो बच्चे एक दूसरे के साथ अपने खिलौने बांट रहे थे। उनमें से कुछ तो अपने इकलौते खिलौने भी अपने दोस्तों को दे रहे थे। मेरे टेडी बेयर का कान फट गया है, लेकिन ये बहुत अच्छी झप्पी देता है, मैं इसे तुम्हें देना चाहता हूँ। थैंक यू। बात देखिए, उस लड़के ने अपना टेडी बेयर दे दिया। हाँ कसली, वो कितना नेक दिल है ना, वो अपनी चीजें तब भी दे रहा है जबकि उसके पास भी कम है। कसली देखो ये बच्चे कितने खुश हैं। जबकि इनके पास तुम्हारे जितने खिलौने भी नहीं हैं, फिर भी ये बहुत खुश हैं। ये लालच भी नहीं कर रहे और अपने दोस्तों के खिलौने छीन भी नहीं रहे जैसे तुम कर रहे थे। कसली को अब समझ आ गया था कि वो कितना लालची हो गया था। आप ठीक कह रही हैं माँ, आपने भी ठीक कहा पिताजी। मेरे पास बहुत खिलौने हैं, मुझे उनके साथ खुश रहना चाहिए। कसली ने अपने माँ बाप को उसे चूचू और चाचा के घर ले जाने को कहा। चूचू और चाचा कसली का इंतजार कर रहे थे और उसके मन पसंद खिलौने एक थैले में डाल दिए। कसली, तुम मेरा डायनासोर ले सकते हो और तुम मेरा टेडी बेयर ले सकते हो। हाँ। कसली को बहुत शर्म आ रही थी। चूचू और चाचा उसे खुश करने के लिए अपने खिलौने देना चाहते थे। अभी अभी पड़ोस में उसने जो बच्चे देखे थे उन्हें ध्यान में रखकर उसने सोचा कि वो लालची नहीं बनेगा। धन्यवाद चूचू और चाचा, लेकिन मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं और अभी मैंने देखा कि कैसे बच्चे थोड़ी सी चीजों के साथ भी खुश रहते हैं, तो मैंने सोचा है कि अपने कुछ खिलौने मैं उनमें बांट दूंगा। वाह कसली, तुमने कितना अच्छा सोचा है। कसली ने सीधा अपने घर जाकर कुछ खिलौने पैक कर लिए, उन्हें अपने पड़ोस में ले गया और उन्हें बच्चों को दे दिया। ये तुम्हारे लिए है और ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया। धन्यवाद। कसली के माता पिता को उस पर बहुत गर्व हुआ और कसली अब बहुत खुश था। बहुत अच्छे कसली, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। धन्यवाद माँ, धन्यवाद पिताजी। उस दिन कसली को एहसास हुआ कि वो कितना खुशकिस्मत है, उसके पास कितनी सारी चीजें थीं जो दूसरे बच्चों के पास नहीं थीं, और उसने तय किया कि उसके पास जो भी है उसके साथ वो संतुष्ट और खुश रहेगा। ये घर कभी नहीं, अब तुम दोनों यहीं रहोगे और मैं तुम दोनों को खाऊंगी। जरा इन चींटियों को तो देखो चाचा, ये चींटियां इतनी छोटी होते हुए भी बचा कुचा खाना उठाकर अपने घर ले जा रही हैं।
धन्यवाद मिस डॉर्थी, खरगोश के साथ खेलने में बहुत मजा आया। चूचू और उसके दोस्त बहुत खुश हो गए। उन्होंने हमेशा वही किया जिससे कि जेकब को अच्छा लगे